भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आईएनएस विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत को लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आईएनएस विक्रांत का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को कभी नहीं मानते। आईएनएस विक्रांत भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे 22 साल पहले शुरू किया गया था। पहले वाजपेयी सरकार, फिर मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार। इसमें निरंतरता है, इसलिए ये केवल एक सरकार का नहीं है, बल्कि इसका श्रेय हर सरकार को दिया जाना चाहिए। What you have to say about it today, Prime Minister has unveiled this stuff. Well, this started before 2014. Our Prime Minister never recognizes continuity in governance. शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। INS विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे देश में बनाया गया है, बहुत बड़ा कदम है। पर मैं बार बार कहूंगा 20-22 साल लगे हैं और सभी सरकारों को श्रेय मिल। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय नौसेना इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हैं, लेकिन ये कहना कि ये पूरी तरह से 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये गलत है। इसको बनने में 22 साल लगे हैं और इसका श्रेय सभी सरकारों को जाता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज कोचीन में चालक दल के लगभग 1600 सदस्यों के साथ डिजाइन किया गया करीब 2200 कमरों वाला देश का अब तक का सबसे बड़ा और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। साथ ही पोत के जलावतरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नए नौसैनिक ध्वज यानी निशान का भी अनावरण किया। खैर, आने वाले दिनों में आईएनएस विक्रांत पर भी कितनी राजनीति होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि दुनिया में भारत की ताकत और धाक को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना में बाहुबली आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया है, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया अभियान का जीवंत उदाहरण है। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।